आपको यूके आने के लिए एजेंसी कैसे फाइंड करना है, लेकिन इन्होंने जो अपने वेबसाइट पर सेंटर्स के नाम दिए हैं उन्हीं सेंटर में जाके आपको टीबी टेस्ट कराना होगा, तो आप अपना स्कोर क्लब नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर ढूंढने का जो सबसे इजी तरीका है वो है अप्लाई करने वालों की मात्रा बढ़ रही है, इसी कारण से काफी सारे हॉस्पिटल्स ने जो पहले फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हैं अभी वो लोग फ्रेशर्स को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा आपको यूके में आने के बाद वापस मिलेगा, बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप OET की ओर जा सकते हैं। क्योंकि स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 2024 में यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं। आज का यह वीडियो जो लोग यूके जाना चाहते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले की आपकी जो पूरी प्रोसेस है यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने की वो क्या है, वो कैसी है, आपको कौन से प्रोसेस से जाना पड़ेगा, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यूके जाने के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है और कितना पैसा आपको अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा, कितना पैसा हॉस्पिटल आपके लिए खर्च करेगा और कितना पैसा आपको यूके में आने के बाद वापस मिलेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। क्योंकि यूके में रीएम्बर्समेंट करके एक चीज होती है, जो भी आप पैसा खर्च करते हैं उसमें से काफी सारा पैसा आपको वापस मिलता है यूके आने के बाद। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन सी एग्जाम्स आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने में देनी होती है और उन एग्जाम्स को भी कैसे पास करना है, आपको यूके आने के लिए एजेंसी कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। इसी कारण से यह वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेक कीजिए, ताकि आपका जो अब्रॉड नर्सिंग से यूके नर्सिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका नॉलेज काफी बढ़ जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना है तो आपने एक तो GNM या BSc नर्सिंग कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैंने GNM किया है, क्या मैं अब्रॉड में नर्स बनकर जा पाऊंगा या नहीं। तो अगर आपने GNM किया है तो भी आप यूके में सेम, अगर BSc नर्सिंग लोग करके आ रहे हैं या MSc नर्सिंग लोग करके आ रहे हैं, सेम उन्हीं की तरह आप भी रजिस्टर्ड नर्स यूके में बन सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि आप GNM के बाद रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन सकते यूके में, तो वो गलत है। सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास 6 months से लेकर 12 months तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफी सारे हॉस्पिटल्स फ्रेशर्स को भी रिक्रूट करते हैं, लेकिन इन दिनों में क्योंकि अप्लाई करने वालों की मात्रा बढ़ रही है, इसी कारण से काफी सारे हॉस्पिटल्स ने जो पहले फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हैं अभी वो लोग फ्रेशर्स को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। अभी सारे हॉस्पिटल्स चाहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में काम करने वालों के पास कम से कम 6 महीने से लेके तो 12 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने यूके जाने के बारे में सोचा है तो आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी लीजिए, और कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है उसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी आपके पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आपने अगर GNM या BSc नर्सिंग किया है, तो आपको यूके आने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम देना होता है वो होता है IELTS या OET। IELTS या OET दो ही इंग्लिश टेस्ट यूके में वैलिड है। अगर आप ये दो इंग्लिश टेस्ट देते हैं तो ही आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनने मिलेगा। काफी सारे लोग PTE के स्कोर के बारे में पूछते हैं, लेकिन PTE यूके में वैलिड नहीं है, सिर्फ IELTS या OET। और IELTS में भी आपको IELTS अकेडमिक देना होता है, आपको IELTS जनरल या तो आपको यूके VI IELTS भी देने की जरूरत नहीं होती है। जो स्कोर आपको IELTS में होना चाहिए यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने के लिए वो होना चाहिए लिसनिंग में 7, रीडिंग में 7, स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में 6.5। OET के लिए जो स्कोर एक्सेप्टेबल है यूके में आने के लिए वो है लिसनिंग में B, रीडिंग में B, स्पीकिंग में B और राइटिंग में C+। और यूके में एक और अच्छी चीज IELTS और OET के एग्जाम से रिलेटेड है, वो यह है कि आप 2 बार में यह टेस्ट दे सकते हैं, जिसे हम क्लबिंग कहते हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और आप अगर फिर से चाहते हैं कि क्लबिंग कैसे करना है यूके में नर्स बनने के लिए IELTS या OET में, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट कर बोलिए, तो मैं उसके ऊपर फिर से एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक टेस्ट अभी दिए है तो नेक्स्ट टेस्ट आपको 12 महीने के अंदर देना है। जो टेस्ट आप पहली बार दे रहे हैं या बाद में देने वाले हैं, दोनों में मिला के अगर आप IELTS देते हैं तो 6.5 या तो OET देते हैं तो कम से कम आपको सी
प्लस दोनों टेस्ट में आना चाहिए। अगर आपका आईएलटीएस में किसी भी एक मॉड्यूल में 6.5 से कम, राइटिंग में 6 से कम अगर आता है, या तो ओईटी में सी प्लस से कम बाकी सारे मॉड्यूल में, और राइटिंग में सी से कम आता है, तो आप अपना स्कोर क्लब नहीं कर सकते। आप अगर चाहते तो डेफिनेटली मुझे बोलिए, मैं डिटेल में आपको क्लबिंग के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा और आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो आईएलटीएस और ओईटी पास करना बहुत ईजी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप आईएलटीएस दे सकते हैं। आईएलटीएस में जो 7 ओवरऑल बैंड्स की आवश्यकता है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ओईटी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ओईटी में आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आपको पास करने के लिए काफी इजी होता है। अगर आपको यूके जाना है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ओईटी कोचिंग भी देंगे और ओईटी कोचिंग में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ाए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ओईटी क्लियर हो जाए। अगर आपने सोचा है यूके जाने का, तो डेफिनेटली नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कीजिए या तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम डेफिनेटली आपको ओईटी पास करने में हेल्प करेंगे। अभी अगर आपका आईएलटीएस या ओईटी स्कोर आ चुका है, तो आपको शुरू करना पड़ेगा अपना यूके एनएमसी रजिस्ट्रेशन। यूके एनएमसी यानी जैसा अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है और सारे स्टेट्स के अलग अलग नर्सिंग काउंसिल्स है, वैसे ही यूके की एक ही नर्सिंग काउंसिल है जिसे कहते हैं नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अगर आपको यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनना है, तो इस काउंसिल के साथ आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। यूके एनएमसी में रजिस्ट्रेशन करने के दो स्टेप्स होते हैं। इस समय पे आपको फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी सारी डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है वो होता है आपका पासपोर्ट, आपका डिग्री या डिप्लोमा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों चीजें आपको इस दौरान अपलोड करना होता है। आपने अगर आईएलटीएस या ओईटी नहीं दिया है, तो भी आप यह स्टेज कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपने अगर आईएलटीएस या ओईटी अपना कंप्लीट किया है, तो ही यूके एनएमसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए। तो यूके एनएमसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद या करने के पहले आपको ढूंढना पड़ेगा एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर आप कैसे ढूंढेंगे? एम्प्लॉयर ढूंढने का जो सबसे ईजी तरीका है वो है एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयर ढूंढना, क्योंकि जब आप एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, तो आपको कोई भी फीस एजेंसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन से एजेंसी से हमने कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं या तो मेरी टीम आपको डेफिनेटली बेस्ट एजेंसी ढूंढ के देंगी, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट का भी काम करते, तो आपको डेफिनेटली एजेंसी ढूंढने में, एम्प्लॉयर ढूंढने में हेल्प हो जाएंगी। तो जब आपकी एजेंसी आपको एम्प्लॉयर ढूंढ के देंगी, तो एम्प्लॉयर जो आपका होगा, जिस भी हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल के जो लोग होंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं, उस डिपार्टमेंट के लोग जो होंगे, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू दो टाइप से किए जाते हैं, एक तो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है या तो ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। कोविड के समय में इन्होंने कंप्लीटली ऑफलाइन इंटरव्यूज बंद कर दिए थे, लेकिन अभी फिर से इन्होंने ऑफलाइन इंटरव्यू शुरू किए हैं। अभी ये लोग फिर से इंडिया आकर इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि कौन से हॉस्पिटल्स में एट द मोमेंट वैकेंसीज है, और आप उन हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज जहाँ पे भी रहेंगी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी आपको हमारी तरफ से पूरी तरह से हेल्प होगी, और हम आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको पास होने के लिए पूरी मदद करेंगे। आपको इंटरव्यू के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अगर हमसे ओईटी कोचिंग लेते हैं और हमारे थ्रू एजेंसीज ढूंढते हैं। तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं, तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आप जिस काउंसिल में इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस काउंसिल को आपने कॉन्टैक्ट करना है, और वो जो आपकी काउंसिल रहेंगी इंडिया में, उनको यूके एनएमसी की तरफ से एक मेल आएगा वेरिफिकेशन का, और उस मेल को जब आपका जो नर्सिंग काउंसिल है इंडिया में वो रिस्पॉन्ड करेंगी, उस समय आपका जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, जो भी वेरिफिकेशन यूके एनएमसी चाहती है, वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पियर्सन व्यू की तरफ से एक ईमेल आएगा, और उस ईमेल में आपका आईडी और पासवर्ड आएगा, और उस आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपको अपना सीबीटी एग्जाम बुक करना है, और सीबीटी एग्जाम आप अपने शहर में अगर सेंटर्स अवेलेबल है तो दे सकते हैं। और सीबीटी एग्जाम जो होती है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, और सीबीटी में टोटल 115 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया है। पार्ट ए में आपको न्यूमरसी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमरसी क्वेश्चंस में आपको ड्रग कैलकुलेशंस वगैरह करना होता है, और उसके लिए आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाता है। सीबीटी के पार्ट बी में आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और वो एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज होते हैं। पार्ट ए के जो 15 क्वेश्चन है उसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और पार्ट बी के जो 100 क्वेश्चंस है उसके लिए 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको सॉल्व करने दिया जाता है, जो कि मोर देन सफिशियंट
टाइम है, तो आप सीबीटी भी इजिली पास कर सकते हैं अगर आपका आईएलटीएस या ओईटी हो चुका है और आप जल्दी ही सीबीटी देना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीबीटी मटेरियल डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। आप अगर हमारे साथ ओईटी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम आपको सीबीटी का प्रिपरेशन भी कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपका सीबीटी कंप्लीट हो गया है, आपको एम्प्लॉयर मिल गया है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको अपना यूके एनएमसी का सेकंड स्टेज कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेज जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूके एनएमसी का रजिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में होता है, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। तो पार्ट टू जो सेकंड स्टेप जिसे हम कहते हैं उसमें आपको कुछ चीजें अपलोड करना होता है। सबसे पहली चीज जो होती है वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन में जो भी नर्सेस का काम है वो करने के लिए हेल्दी है और आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, वो आप खुद डिक्लेयर करते हैं। और जो नेक्स्ट चीज आपको अपलोड करनी होती है वो होता है अपना मेडिकल फिटनेस अपलोड करना होता है। उसके लिए जो मेडिकल फिटनेस के लिए जो चीज आपको अपलोड करनी होती है वो आपको किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर और उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जहां पे भी वो रजिस्टर्ड है, वो सारी डिटेल्स आपको यूके एनएमसी के वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो जो डॉक्टर का आपने डिटेल्स दिए थे उनको ईमेल जाएगा और उनको जब ईमेल आता है तो उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उस ईमेल का रिप्लाई करना पड़ता है और ये जो हेल्थ वाली प्रोसीजर थी वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट चीज आपको अपलोड करना होता है सेकंड स्टेज में वो है पुलिस क्लियरेंस। पुलिस क्लियरेंस में आपको जिस भी कंट्री में आप पिछले 10 साल तक रहे हैं उन सारी कंट्रीज में आपका जो पुलिस रिकॉर्ड है आपको सबमिट करना होता है यूके एनएमसी के वेबसाइट पे। अगर आप इंडिया में जब से आप पैदा हुए तब से रहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सबमिट करना होगा। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में रहे हैं पिछले 10 ईयर्स में तो सारे कंट्रीज का आपको पुलिस क्लियरेंस यूके एनएमसी के वेबसाइट पे सबमिट करना होगा। और जो लास्ट चीज आपको इस स्टेज पे अपलोड करना होता है वो होता है आपका आईएलटीएस या ओईटी का रिजल्ट। तो आपका आईएलटीएस या ओईटी का रिजल्ट सेकंड स्टेप में आपको अपलोड करना होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप ये सारी चीजें अपलोड कर देते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करना होता है यूके एनएमसी को। वो पेमेंट की जो भी कॉस्ट आपको आता है वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन हट जाए, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कब कौन सा पेमेंट देना है। तो सारी चीजें पेमेंट के बारे में, कॉस्ट के बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। जैसे ही आपका सेकंड स्टेज ऑफ यूके एनएमसी कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस समय आपके एजेंसी के द्वारा या तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा पता चलता है कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर टू द यूके क्या है। आपको पता चल जाएगा एक एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपका यूके पहुंचने का, वो आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको पता चलता है तो आपको अपना इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा और यूके में आने के लिए जो मेडिकल टेस्ट होती है वो होता है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट के लिए इनके खुद के सेंटर्स होते हैं, हर सिटी में करीब करीब इनके सेंटर्स है। और आप अगर इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके वेबसाइट पर पता चलेगा कि आपके आसपास में कौन सा सेंटर है। अगर आपके आसपास सेंटर नहीं है तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन इन्होंने जो अपने वेबसाइट पर सेंटर्स के नाम दिए हैं उन्हीं सेंटर में जाके आपको टीबी टेस्ट कराना होगा। तो टीबी टेस्ट के भी ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका टीबी टेस्ट कम्प्लीट हो जाता है, यूके एनएमसी के दोनों स्टेजेस कम्प्लीट हो जाते हैं, सीबीटी कम्प्लीट हो जाता है, तो आपको आपके एजेंसी को, आपके एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है। उनको आप जब इन्फॉर्म करेंगे तो आपकी एजेंसी आपके एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसे COS कहते हैं उसके लिए अप्लाई करेंगी। और COS आपको एक हफ्ते से चार हफ्ते के बीच में मिल जाएगा। और जैसे ही आपको COS मिल जाएगा आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। और वीजा के लिए कई बार आपकी जो एजेंसी होती है वो हेल्प करती है और काफी सारी एजेंसीज आपको वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मांगती है। आप अगर हमारे साथ अपना एम्प्लॉयर ढूंढते हैं तो हम आपको आपका वीजा फाइल करने के लिए हेल्प करेंगे। आप जब अपना वीजा फाइल करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए VFS सेंटर जाना होता है। VFS सेंटर्स बड़े बड़े सिटीज में ही देखने मिलेंगे, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली जैसे सिटीज में ही आपको VFS सेंटर देखने मिलेंगे। और VFS सेंटर में जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट देना होता है। काफी सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि VFS सेंटर में जाने के बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है। आपको VFS सेंटर में जाने के बाद सिर्फ आपका जो फिंगरप्रिंट है वो ही स्कैन किया जाता है और आपकी एक फोटो ली जाती है। इसके अलावा आपसे कुछ भी सवाल वो लोग नहीं करते हैं। और आपको VFS और वीजा कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, उन सारी चीजों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये सारी प्रोसेस कैसी होती है। जब आप अपना वीजा अप्लाई कर देते हैं तो आपको अपनी शॉपिंग शुरू कर देना है, क्योंकि 99% नर्सेस जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उनका वीजा सक्सेसफुल होता है, 1% लोगों का सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जो कि किसी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग होने के कारण हो सकता है, लेकिन 99% लोगों का वीजा सक्सेसफुल होता है। तो आप अपनी शॉपिंग इस समय स्टार्ट कर
सकते हैं, क्योंकि आपका वीजा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के 1 से लेकर 3 हफ्ते के बीच में कभी भी पहुंच सकता है। जैसे ही आपका वीजा आपके पास आ जाएगा तो आपका जो हॉस्पिटल है वो आपके लिए फ्लाइट टिकट बुक करेगा। काफी सारे हॉस्पिटल हमेशा अपने कैंडिडेट्स के लिए फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, लेकिन एक या दो ही हॉस्पिटल ऐसे हो गए मैंने जो आज तक देखा है जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स के लिए फ्लाइट टिकट बुक नहीं किया। लेकिन आपका जो फ्लाइट का पैसा आप अगर अपनी ओर से लगाते हैं तो वो पैसा आपको यूके आने के बाद वापस हो जाएगा। जैसे ही आप यूके आ जाएंगे, आपके हॉस्पिटल के द्वारा लोग आपको एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, या तो किसी ड्राइवर को आपको पिक करने के लिए वो लोग भेजेंगे, और एयरपोर्ट से अकोमोडेशन तक आपको आपके हॉस्पिटल के व्हीकल पे ही, या तो जो व्हीकल उन्होंने हायर किया है उससे ही आपको लाया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आपको इनिशियली कुछ मंथ्स के लिए फ्री अकोमोडेशन देते हैं। अगर आप यूके का अकोमोडेशन का चार्जेस देखेंगे तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूके के अकोमोडेशन कितने महंगे होते हैं। लेकिन आपको यूके के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स आते हैं तो कुछ महीनों के लिए आपको फ्री में अकोमोडेशन देंगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो आप अभी यूके आ चुके हैं और आपको अकोमोडेशन मिल गया है। अभी जो सबसे लास्ट चीज है आपको यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनने की, वो है लास्ट एग्जाम, जिसे हम कहते हैं ऑस्की। ऑस्की है एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। इसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है। एट द मोमेंट जो ऑस्की चल रही है उसमें 10 stations होते हैं। 10 stations में आपको कैसे कौन सी प्रोसीजर्स करना है वो सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। आपका थियोरेटिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। और ऑस्की ट्रेनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने NHS ज्वाइन किया है तो, क्योंकि NHS में इनके पास डेडिकेटेड टीम होती है जो आपको ऑस्की ट्रेनिंग देती है। 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग आपको ऑस्की की दी जाएंगी, और ऑस्की की ट्रेनिंग होने के बाद हॉस्पिटल खुद आपके लिए ऑस्की एग्जाम बुक करेगा। और ऑस्की एग्जाम की फीस अगर आप देखेंगे तो 80,000 INR होती है, लेकिन यह पैसा आपको खुद को भरना नहीं है, आपका हॉस्पिटल आपके लिए भरेगा और आपकी टेस्ट आपकी एग्जाम बुक करेगा। और यह एग्जाम कैसी होती है उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे ही आप अपनी ऑस्की एग्जाम पास हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं यूके में रजिस्टर्ड नर्स। तो यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनने की यही सारी प्रोसीजर है। अगर आपको मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी एंड तक जो प्रोसीजर बताया उसे अगर फॉलो करते हैं तो आप इजीली यूके में रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे। तो यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, मुझे लगता है कि इस वीडियो को यही हम स्टॉप करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसको हम कॉस्ट के ऊपर बनाएंगे, ताकि आपको आपका बहुत ज्यादा समय एक ही वीडियो पे स्पेंड ना करना पड़े। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसे डेफिनेटली देखिए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए कितना खर्चा आने वाला है। अगर आपको यह प्रोसेस समझ में आई है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे नेक्स्ट मंथ में रजिस्टर्ड नर्स बनने वाले हैं। अगर आप उन तक प्रॉपर गाइडेंस पहुंचाएंगे, प्रॉपर नॉलेज पहुंचाएंगे, तो वो लोग भी हमारी तरह यूके में एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने अभी तक इस वीडियो को इतना समय दिए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।